कितनी बार कहा है तुमसे, मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो, लेकिन तुम पर सिंदूरा जी, मैंने क्या किया है? मैं तो बस तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया राजीव, तुम बस अपना फोन मुझे दो। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे सपने, सब तुम्हारे बीते हुए कल, तुम्हारे पिछले जन्म की झलकी, तुम्हारा एक अनजान दोस्त जिसे सिर्फ तुम्हारी फिक्र। जो कोई भी हो, मेरी उम्मीद सिर्फ तुम पर टिकी है। मुझे भी अपने सवालों का जवाब चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? कैसा है अमर? अरे जी, यहाँ जी। ये साड़ी देखो कैसी है, दिव्या को अच्छी लगेगी ना? अरे क्यों नहीं पसंद आएगी, बहुत अच्छी है। ये गोद भराई की रस्म के लिए है और ये जेवर भी। अच्छा, तुम उसे दे देना प्लीज, लगता है वो मुझसे कुछ नाराज है, शायद उन दवाइयों की वजह से। तुम्हें पता है अमर, कहते हैं कि शादी की हर रस्म निभाना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मैं हर रस्म पूरी करना चाहती हूँ। आप हम दोनों का कितना ख्याल रखती हैं। अरे तुम दोनों मेरे अपने ही तो हो, तुम दोनों के लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? और फिर दिव्या को भी तो लगना चाहिए ना कि इस घर में, इस परिवार में उसका स्वागत हो रहा है। धन्यवाद सिंदूरा जी। सिंदूरा जी नहीं, फिर अब तुम मेरे लिए काम नहीं करते हो, अब तो हम रिश्तेदार हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो फिर क्या कहें हम, क्या कहकर बुलाएं आपको? वैसे तो मैं तुम्हारी मासी लगती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों पर मन कहता है कि आपको दी कहकर बुलाएं। दी कहकर दीदी, दी हमारी कोई बहन नहीं है, आप हमसे बहुत बड़ी हैं उम्र में, अगर कोई बहन होती तो बिल्कुल आप ही की तरह होती, बहुत ख्याल रखती हैं आप हमारा। शुक्रिया। बेहतर होगा कि सबकी तरह तुम भी मुझे बड़ी माँ कहकर ही बुलाओ। ये ज्वेलरी और ये साड़ी दिव्या को दे देना और उससे कहना कि 3 बजे तक रेडी हो जाए, मुहूर्त है 3 बजे का। जी, ये लो। शुक्रिया बड़ी माँ।
तुमसे कुछ बात करनी थी। देखिए हम जल्दी में हैं, बाद में बात करते हैं। अगर तुम्हें और सबूत चाहिए तो आउट हाउस जाओ, सारी अलमारियां देखो, तुम्हें एक पायल मिलेगी। तुम वो पायल तब पहना करती थी जब तुम विद्या थी। विद्या, शायद तुम्हें उस पायल से कुछ याद आ जाए। मैं विद्या। आखिर है कौन? दिव्या, दिव्या यहां बैठी, ये देखिए, ये रहा गोद भराई का जोड़ा, बड़ी माने दिया है। लीजिए फटाफट पहन लीजिए। अगर तुम बाहर से आ रहे हो ना? हाँ। बाहर कोई आते या जाते दिखाई दिया था? हाँ पिता। राजीव जी, क्यों, कोई बात है? नहीं, अगर तुम्हें और सबूत चाहिए तो आउट हाउस जाओ। मैं 2 मिनट बाद। कहाँ जा रही हैं आप? एक जरूरी काम है मेरा, प्लीज। अरे बड़ी माँ ने बहुत प्यार से दिया है, चलिए फटाफट तैयार हो जाइए। देखिए रस्म शुरू हो जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। देखिए तैयार हो जाइए, उसके बाद जो करना हो कर लीजिए। छोटा सा काम, हमारी बात मानिए। प्लीज समझो ना, एक जरूरी। हमारी बातें मानते हैं, बस हमारी बात मानिए। चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, अभी आते हैं। पंडित जी, सारी तैयारियां ठीक से हो गई है ना? अब इसे यहां रख दो और फूलों को थाली में सजा दो। वैसे तो इस रस्म में मर्द नहीं बैठते, लेकिन क्योंकि हमने किसी को बुलाया नहीं है, सिर्फ परिवार वाले हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ बैठना चाहिए। क्यों राजी? अरे तुम भी आओ, जरा देखो कि जो तैयारियाँ हो रही है वो ठीक से हो रही है या नहीं। आज गोद भराई है और कल मेहंदी। चंद्रा, इस बात का ध्यान रहे कि इस शादी में कोई भी रस्म छूट न जाए। ये सिंदूरा जी शादी की तैयारियां इतनी धूमधाम से क्यों कर रही है? आखिर करना क्या चाहती है? नहीं, हम नहीं मान सकते कि अमर और दिव्या को मिलाना चाहती है। कुछ तो गड़बड़ है। अमर जी, दिव्या कहाँ है? तुमने उससे कहा था ना कि वो 3 बजे तक तैयार हो जाए। अब बस आती ही होगी। आंखें फाड़ फाड़ क्या देख रहे हो? हम ये देख रहे हैं कि हर रस्म में ऐसी तैयारियां हो रही हैं, तो यहाँ के समय क्या होगा? इससे बहुत अच्छा और बहुत शानदार। इससे और अच्छा और शानदार। अरे वाह भाई,
और आप ही तो कहते थे कि आपको लगता है कि आप पिछले जन्म में कहीं के राजकुमार थे हुँ? और देखो ये जन्म में भी आप देखो राजकुमार जो भी कहो जी, मगर हमारे लिए हमारा वो बनारस के दो कमरे वाला घर स्वर्ग है। तो आप बनारस क्यों नहीं आते? आप बनारस आएंगे ना? अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे तो माँ बाबूजी चिंटो यहाँ पर है तो अमर वहां जाकर क्या करेगा? सच? हम यही रहेंगे? अरे बिल्कुल सच। अरे जब हम इस घर के बेटे हुए तो क्या माँ बाबूजी और चिंटू इस घर के कुछ नहीं हुए? हुए ना? हाँ हुए। हम सोच रहे हैं कि आज ही माँ बाबूजी से बात करें और ये बोले कि बस इस घर में हम सब साथ साथ रहेंगे हमेशा के लिए। अरे चिंटू तुम्हारी भाभी की नजर नहीं आ रही, जाओ देखो कहाँ। अब बोला तुम इंतजार करें जल्दी आए। अब अमर चाहता है कि ये लोग भी यहीं रहें। अमर जी, ये दिव्या कहाँ रह गई है? देख कर आते। दादा चिंटू भाभी कहाँ है? सब इंतजार कर रहे हैं। दादा घर में जितने भी कमरे हैं हमने सब कमरों में देख लिया, भाभी कहीं नहीं है। अच्छा हम देख कर आते हैं, जाओ। अच्छा दिव्या, ओ दिव्या, दिव्या दिव्या रानी, दिव्या अरे भाई दिव्या को देखे क्या? हाँ वो बाहर आउट हाउस की तरफ जा रही थी। ठीक है जाओ। पंडित जी मैं भी आती हूँ, जरा देखती हूँ कि दिव्या कहाँ रह गई।
ये क्या कर रही हो? अरे हम कहां कहां ढूंढ के आ रहे हैं आपको, और आप यहां पर क्या कर रही हैं? और मेरी मदद की दूसरी शर्त ये होगी कि मेरे जरिए तुम्हें जो भी पता चले वो जानकारी तुम सिर्फ अपने तक रखोगी, अमर को भी मेरे बारे में नहीं बताओगी। अमर वो मैं एक्चुअली अपनी कुछ ज्वेलरी कुछ गहने ढूंढ रही थी। गहने यहां पर? अरे वहां वहां लोग इंतजार कर रहे हैं, रस्में शुरू हो चुकी, पंडित जी आ चुके हैं, पर आप ये गहने ढूंढ रही हैं? अरे बड़ी मां ने इतनी चीजें दी आपको, पर आपको देखिए अगर आपको और कुछ चाहिए तो हम बाद में जाकर बाजार से खरीद लेंगे। हम वादा करते हैं, अभी चलिए उठिए आइए, छह बच्चों की तरह चलिए आइए। चलिए 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 चलिए। क्या कैसे बातें कर रहे हो, मैं बच्ची हूँ क्या? अच्छा ठीक है आप बच्ची नहीं है, मगर हरकतें जो हैं बच्चों की तरह ही हैं। देखिए देखिए सब इंतजार कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है? हम वादा करते हैं बाद में जो कुछ चाहिए आपको हम दिलाएंगे। चलिए आइए आइए आइए, चलिए चलिए उठिए 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 चलिए। अच्छी दिव्या है, प्लीज समझो ना तुम, अब जाइए फटाफट तैयार होकर आ जाइए फटाफट, अच्छे से सुंदर से बनकर आइए जाइए। ओके फटाफट तैयार हो जाइए। दिव्या दिव्या यहाँ क्यों आई थी? कह रही थी कि कहने ढूंढ रही है। क्या बड़ा यहाँ पर कौन से कहने ढूंढ रही है? यहाँ कहने ढूंढने आई थी, ये सब क्या हो रहा है? हम आप मुझे घबराहट सी हो रही है। दिव्या कहीं ऐसा ना हो कि शादी के पहले ही दिव्या